ये हो गया आप स्टूडियो पहले बता देते हैं, ये स्टूडियो का आपका आउटलाइन पहले जान लीजिए। ये हो गया आपका डील विथ और एक होता है डीलिंग विथ, तो डॉट दीजिएगा। ये हो गया आपका रिकमेंडेशन, ये हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हो गया आंसर्स, ये हो गया नेसेसरी। सिर्फ अंतर यहाँ डॉट का है और यहाँ डॉट का है, बस इसमें किसी से पकड़ते हैं, अगर ये दोनों छूटा तो फिर गड़बड़ हो जाए। ये हो गया क्वेश्चन, यहाँ डॉट दे देंगे तो एक्विजिशन हो जाता है, कोर्ट का मैटर है एक्विजिशन, उस पर चलता है। ये हो गया कोलेरा, ये हो गया उड़ीसा सफिशियंट सफिशियंसी, ये हो गया इफिशियंट इफिशियंसी एक्सेंटली, ये हो गया इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी, एक नहीं हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल, ये हो गया एडवाइजर, ये हो गया रिमेडियल, ये हो गया इफ इट इज अलग अलग कंट्री, ये हो गया डायरेक्टरेट्स मतलब अलग अलग कंट्री बेटा, ये हो गया विजिबल, ये हो गया विजिबिलिटी, ये हो गया रिप्रेजेंट, ये हो गया रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेटिव, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, सब एक जैसा है, प्रूफ छोड़िएगा कवर हो जाएगा और किताब में इसी को लिख देगा, इसी को पाएगा चारों चीज, कैसे करेंगे वैसे बुक थोड़िए कि हम पकड़ लेंगे। ये हो गया आपका रैपिड, ये हो गया रिपेंट जो कल आया था, ये हो गया विथ रिगार्ड टू द, ये हो गया इंग्लैंड इंग्लिश कंट्रीब्यूशन, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया डेट इज नॉट द, ये हो गया फाइनेंशियली इन इंडिया कंडीशन डिसीजन, है ना। ये आपका स्टूडी मैटर हो गया, कोर्ट में थोड़ा सा देख लीजिए आपने। ये हो गया पटिशनर, ये हो गया फाइल्ड, और फाइल्ड आप दूसरे तरीके से लिखते रहोगे। ये हो गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये हो गया आपका एग्रीमेंट, ये हो गया आर्ग्यूमेंट, ये हो गया आपका हाई कोर्ट, तीनों चीज को हम लिखे दिए थे, सिविल कोर्ट वो सब कोर्ट सब लिख दिए थे। ये हो गया ऑन अकाउंट ऑफ, अगर ऑन अकाउंट हो गया ऑफ लगाना दिया कोर्ट ही निकाल दीजिएगा। ये हो गया ऑन द ग्राउंड, दोनों में अंतर है, बीच में जाएंगे ये वही से लगा देंगे, यही से पकड़ में आता है। ये हो गया सीधा रिस्पोंडेंट्स, इसे लगेगा तो मोड़ेंगे, रिस्पोंडेंट होगा तो ये सटाएंगे नहीं सीधा। ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गया डिपोजिटेड, ये हो गया लीगल सर्विसेस कमिटी, ये हो गया एग्री फीलिंग एग्रीव्ड, है ना। ये हो गया इंटरफेरेंस, ये भी है इंटरफेरेंस, ये भी है। ये हो गया लर्नेड काउंसिल, एरोज सिविल सूट, ये हो गया गवर्नड, ये हो गया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये हो गया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीधा, ये हो गया प्रोविजन, ये हो गया कंपनसेशन, ये हो गया कंपनसेटरी, ये हो गया कोर्ट फी, तो यहाँ पे डॉट लगा दीजिए ऐसे समझ में आएगा कि कोर्ट फी। ये हो गया इनहेरेंट पावर, ये हो गया सिविल केस, ये हो गया हाउ फॉर, ठीक है।